में, जैसा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी आए दिन कोई ना कोई सियासी गर्माहट लेकर के साथ में आती है, तो इसी गर्माहट के बीच में अगर जिक्र किया जाए तो एक चेहरा बहुत ज़्यादा जाना पहचाना माना जाता है। वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल कंप्लीट किए हैं कार्यकाल में और काफ़ी व्याख्यान कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में जा करके, और अगर देखा जाए तो बिजली को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी समस्या से जूझ रहा उत्तर प्रदेश पूरा, उस पर आपका क्या कहना है अभी? डबल इंजन की भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। भाजपा सरकार का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारा धोखा साबित हुआ है। जिसने जिसने भी भाजपा का साथ दिया उनके उनके विश्वास का गला घोटा भाजपा के लोगों ने। आज देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है सरकारी नौकरियां गायब हो गए। भूले बिसरे यदि कभी कोई वैकेंसी या जगह आई भी तो भ्रष्टाचार की बलबूते पे चढ़ गई। डबल इंजन की सरकार ने दलितों आदिवासियों पिछड़ों को वोट लेने के वक्त हिंदू की दुहाई देकर वोट तो लिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद भारतीय संविधान प्रदत्त अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण पूरी तरीके से खत्म करती जा रही है। यहां तक कि आज जिस तरीके से संविधान की कसम खाने वाले लोग संवैधानिक मान्यताओं मर्यादाओं के साथ घृणा मजाक कर रहे हैं, संविधान की मंशा के विपरीत आचरण कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, इनका असली चेहरा सरकार में आने के बाद जनता ने भाजपा का देखा है। यही नहीं, आज आजादी के बाद भाजपा की डबल इंजन की सरकार एक ऐसी असफल और निकम्मी सरकार साबित हुई है जिसने सरकारी विभागों को उद्योगपतियों के हवाले करना शुरू कर दिया। पूर्व की सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी और जब निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण होता था तो नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते थे, रोजगार बड़े पैमाने पर नौजवानों को मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती थी। लेकिन ये विडंबना है कि आजादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी उन विभागों को उद्योगपतियों के हवाले करके हमेशा हमेशा के लिए सरकारी नौकरियों से उनको वंचित करने का ये सरकार पाप कर रही है। भाजपा सरकार ने सरकारी विभागों को बेचना शुरू कर दिया, देश के सारे बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें दसियों लाख लोग काम करते हैं उसको बेच दिया। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय संपत्ति देश की जनता की गाढ़ी कमाई खून पसीने से अब बनती है, किसी भी सरकार को उसको उद्योगपतियों के हवाले उद्योगपतियों को खुश करने के लिए नहीं देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन भाजपा ने ऐसा किया। सर, जैसा नई संसद की स्थापना हुई उसको भी लेकर के भारी विरोध का सामना विपक्ष ने किया और भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ा, आपका भी नाम उस विरोध दर्ज में आया,
सिंगोल को लेकर के आपने उस पर एक वक्तव्य भी अपना दिया है, काफी भारी विरोध किया कि सिंगोल की स्थापना जो की गई है वो राजतंत्र की स्थापना की गई है, ऐसा क्यों? मैं उस मुद्दे पर भी आता हूँ। पहले तो आपने 9 साल का जिक्र किया, तो 9 साल के इनके कारनामे को भी सुन लीजिए। आज पूरे देश की जनता महंगाई की आग में जल रही है, महंगाई चरम पर है। यही भाजपा के लोग 2014 के पहले जब सत्ता के बाहर थे, डीजल था 56 रुपया लीटर, पेट्रोल था 65 रुपया लीटर। उस समय इन्होंने पूरा भारत बंद का आह्वान किया था कि डीजल पेट्रोल का दाम घटाओ। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने क्या किया, 56 रुपया लीटर वाला डीजल 100 के करीब पहुंच गया, 65 रुपया लीटर पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया, यहां तक कि 250 रुपये में खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर मिलता था, उसकी कीमत 12 रुपये हो गई। यानी छोटी से छोटी चीज से लेकर हर जरूरतमंद चीजों पर जीएसटी के माध्यम से भारी टैक्स लगाकर कीमतें आसमान पर लगा दी। यहां तक कि ये तो बच्चों के मुंह का निवाला भी छीनने पर तुले हुए हैं। बच्चों के लिए दूध, दही, मक्खन, पनीर, मट्ठा जैसी चीजों पर भी जीएसटी लगा दिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर भाजपा की सरकार हो गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटती जरूर थी, लेकिन यहां का खजाना अपने राष्ट्र में जाकर के जमा करती थी। भाजपा सरकार इस देश को लूट रही है, लेकिन पूरा का पूरा खजाना अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे पाप भारतीय जनता पार्टी कर रही है जो देश को बेचने का सिलसिला भी जारी कर दिया, नौजवानों को रोजगार के लिए मोहताज भी कर दिया, महंगाई की आग में जनता को झुलसने के लिए भी ढकेल दिया, आरक्षण का भी खात्मा करना शुरू कर दिया, संवैधानिक मान्यताओं से भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, और जीएसटी की जांच के नाम पर लघु एवं मध्यम व्यापारियों से धनादोहन बड़े पैमाने पर अत्याचारी कर रहे हैं। यही नहीं, लोकतंत्र को कुचलने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग भी हो रहा है। जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, सारे नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगा करके मोर्चा खोल लेते हैं। कहने के लिए तो इमरजेंसी थी, लेकिन इमरजेंसी में कभी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग नहीं हुआ था। यह पहली सरकार है, लोकतंत्र की दुहाई देती है, संविधान की दुहाई देती है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या पर आमादा है और संविधान को भी खत्म करने पर आमादा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर आपने कहा कि जनता में विश्वास होता, जनता में विश्वास होता, तो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करती। जनता चूल्हे भाड़ में जाए, जनता से इसका भाजपा का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है अपने चंद चहेते थैली शाहों से, पूंजीपतियों से, अदानी और अंबानी से। और यही कारण है कि पूरे देश का माल और पूरे देश के सारे सरकारी विभाग बारी बारी से इन नामी गिरामी पूंजीपतियों के पास जा रहे हैं। आज अगर जनता में इनका विश्वास होता तो जनतंत्र के रास्ते से हटकर राजतंत्र के रास्ते पर नहीं जाते। सिंगोल राजदंड, ये उस समय की परंपरा थी जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरित करता था। आज राजतंत्र नहीं और ना राजा राजा को सत्ता हस्तांतरित करती है। आज जनता जिस सरकार को चाहती चुनती है, जिस सरकार को चाहती है हटाती है। लोकतंत्र में सरकारें आती और जाती है, जनता उसकी मतदाता होती है, जनता निर्णय देती है। इसलिए सिंगोल राजदंड की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की हिटलर शाही, तानाशाही, राजशाही की जो इनकी सोच है उसको उजागर करती है। और मैं कहता हूं
हम समझते हैं आजादी के बाद सबसे ज्यादा असफल सरकार यदि कोई देखने को मिला है तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार भाजपा सरकार। अभी विगत दो महीने की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर दो हत्याकांड हुए जिसमें एक प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद जो माफिया था उनकी हत्या करी गई पुलिस अभिरक्षा के दौरान, दूसरा न्यायालय के अंदर लखनऊ में संजीव जीवा की हत्या करी गई पुलिस अभिरक्षा के दौरान, जो लॉ एंड ऑर्डर पे एक सवालिया निशान लगा थी, इसके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बेशक इसमें कोई दोहरा नहीं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है ही नहीं, कानून का खौफ पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। यदि कानून की हनक होती तो सैकड़ों पुलिस कर्मियों के बीच में दो तीन सिरफिरे गुंडे मवाली अपराधी दे दणदण गोली चला करके पुलिस सियासत के मुलजिमों को मौत के घाट नहीं उतारते। यही नहीं, माननीय न्यायालय परिसर में गुंडों द्वारा गोली चला करके पुलिस सियासत के कैदी को हत्या कर देना अपने आप में इस बात को जाहिर करता है कि योगी सरकार कानून मुद्दे पर, भाजपा कल पैदा हुई है, राम हजारों साल पहले पैदा हुई है। ये तो कहते हैं कि जो राम को लेके आएंगे तो जो राम को लाए हैं है ना, तो राम पिया लाए क्या? जो हजारों साल पहले पैदा हुआ जब भाजपा का आता पता नहीं था, भाजपा 80 के बाद बनी है, उसके पहले जनसंघ था तो वो भी आजादी के बाद बनी है, लेकिन राम का इतिहास तो हजारों साल पुराना है, वो तो हजारों साल पहले पैदा हुई है। ये राम को क्या लाए? ये राम का पेटेंट करा करके राम को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू धर्म के अनुयायियों के आग में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर झूठी बाबा ही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर में इनका क्या है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बन रहा है, क्या योगदान है भाजपा सरकार का? हालांकि वो राम मंदिर तो भाजपा सरकार के कार्यकाल में बना, कार्यकाल में बना, माननीय बनाया किसने? कार्यकाल तो पहले भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, पहले भी भाजपा सरकार थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बना, तो इसमें भाजपा सरकार कहां से आ गई? न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र अलग है, विधायिका का कार्य क्षेत्र अलग है, कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र अलग है, तो इसलिए न्यायपालिका के निर्णय पर बनने वाले मंदिर के लिए बाबा ही भाजपा सरकार क्यों लूट रही है? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का इस्तेमाल केवल लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए करती है, हिंदू मुस्लिम समाज को आपस में बांटने के लिए करती है, वोट के पोलराइजेशन के लिए करती है। हिंदू धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हिंदू धर्म से लेना देना होता तो आप पुरुष के नाम पर जिस तरीके से रामायण के सभी पात्र जो पूर्व में वाल्मीकि रामायण रही हो, तुलसी की रामायण रही हो, या अनेकों और भी बहुत से रामायण है जिसमें उनके आदर्शों का उल्लेख किया गया, हमेशा उनके महत्व को सर्वोपरि बनाए रखा, वो चाहे राम रहे हों जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, वो चाहे रावण रहे हों जिन्हें सबसे बड़ा विद्वान पंडित कहा गया, हनुमान रहे हों जो राम के दूत के साथ साथ रामदूत के साथ साथ उनके अनन्य भक्त और सेवक कहलाए गए, रावण का आदर्श भी दिखाया गया कि सीता के अपहरण करने के बाद भी उसको अपने रनिवास में नहीं रखा, अपने राजमहल में नहीं रखा, अशोक वाटिका में रखा, महिलाओं के पहरे में रखा, पुरुषों के पहरे में नहीं रखा, अकेले कभी नहीं गया, जब भी गया तो अपनी महारानी पटरानी मंदोदरी के साथ गया, जिससे कि एकांतवास में भी भूल करके भी कोई गलती ना हो, इसलिए राम रावण का भी आदर्श दिखाया गया। लेकिन आदिपुरुष के माध्यम से मनोज मुंशी
और उनके और फिल्मी कलाकार लोगों ने जिस तरीके से बेहद भद्दा फूहड़ गवई गांव के गुंडे मवालियों की भाषा और टपोरियों की भाषा राम के मुंह से, रावण के मुंह से, हनुमान के मुंह से, मेघनाथ के मुंह से, लक्ष्मण के मुंह से कबलवाई है, उगलवाई है, हम समझते हैं, उनके सारे आदर्शों को तार तार कर दिया है, उनके महत्व को खत्म कर दिया है, उनको गांव के अवारा लखेरा और टपोरियों जैसा बना दिया है। आज सारे के सारे हिंदू धर्म के ठेकेदार जवान बंद क्यों है? क्योंकि ये कलाकार ऊंची जात के हैं। मनोज मुंशी शुक्ला जी हैं, राव जी ठाकुर साहब हैं, ऊंची जात के हैं और धर्म के ठेकेदार की ठेकेदारी भी यही चलाते हैं, इसलिए इनको कोई कोई रंजगंज नहीं है, सब इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जो सही में इनको अपना आराध्य मानती है वो सड़क पर है, लेकिन सरकार के कान में जो नहीं रेंग रही है, क्योंकि ये पिक्चर पास होने के पहले इसमें पिक्चर जो आगे अग्रसारित होती है तो सूचना प्रसारण मंत्रालय का उसमें योगदान होता है, यानी सरकार की सहमति के बिना ये फिल्माई नहीं जा सकती, फिल्माई जा रही है, विरोध के बावजूद फिल्माई जा रही है, तोड़फोड़ के बावजूद फिल्माई जा रही है, इसका मतलब है सरकार की मौन सहमति है, स्वीकृति है और उनके संरक्षण में महापुरुषों का उपहास उड़ाया जा रहा है। स्वामी जी, जैसा भी आपने ब्राह्मणों को लेकर के आपने उनको टारगेट किया, मुझे आपका एक बयान याद आ गया, आपने साधु संत को आतंकवादी भी कहा था, तो कहीं ना कहीं फिर आप वही विरोध जता रहे हैं कि ब्राह्मणों पर फिर आप सवालिया निशान लगा रहे हैं। ऐसा है, आतंकवादी हमने उनको कहा था जो आतंकवादी भाषा बोले थे। कोई साधु संन्यासी सिर काटने का ऐलान करेगा? कोई संत महात्मा साधु हवा में तलवार लहरा करके यह कहेगा कि मौर्य जी का इसे सिर काटूंगा? कोई साधु संन्यासी सिर को धड़ से अलग करने का ऐलान करने के लिए 51 करोड़ 51 लाख 21 लाख की घोषणा करेगा? तो अगर कोई एक अगर इस तरह से वक्तव्य दे दे तो इसका मतलब पूरी आप ब्राह्मण जाति को, आप नादान हैं, आपने सुना ही नहीं। मैंने कहा ऐसे साधु संन्यासी जो आतंकवादी भाषा बोलते हैं वो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादी भाषा नहीं बोलते हैं उनको आतंकवादी हम क्यों कहेंगे? आतंकवादी भाषा बोलने वाले कुछ लोग हैं, 1.5-2 दर्जन लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ इस तरह से आतंकवादी भाषा बोला, किसी ने सिर काटने के लिए बोला, किसी ने सिर को धड़ से करने के लिए बोला, किसी ने तलवार से हत्या करने के लिए बोला, किसी ने जवान काटने के लिए कहा, किसी ने हाथ काटने के लिए कहा, किसी ने नाक कान काटने के लिए कहा। ऐसे लोग साधु कैसे हो सकते हैं, सन्यासी कैसे हो सकते हैं, धर्माचार्य कैसे हो सकते हैं? आतंकवादी भाषा बोलने वाले लोग आतंकवादी भाषा है। यही बात अगर कोई मुस्लिम बोल देता तो सारे लोग पहाड़ उठा लेते, ये आतंकवादी आतंकवादी भाषा बोल दिया, कैसे बोल दिया। और वही साधु वेश में, सन्यासी वेश में, संत वेश में कोई हिंदू धर्माचार्य बोल रहा है तो महात्मा हो गया, वो भी आतंकवादी है। आतंकवादी आतंकवादी चरित्र से होता है, वो किसी धर्म, किसी जाति और किसी मजाक पर नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी होता है। आपसे एक अंतिम सवाल है, 2024 का लोकसभा इलेक्शन समीप आ रहा है और अखिलेश यादव जी ने भी अपने लगभग सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा है कि यह चुनावी तैयारी में लग जाए। जैसा कि विधानसभा चुनाव की बात करी जाए या विधानसभा नगर निकाय चुनाव की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उतना खासा विश्वास समाजवादी पार्टी पर अभी तक नहीं दिखाया है, तो इस बार समाजवादी पार्टी किस रणनीति को लेकर के आम जनता का विश्वास जीतने के लिए लोकसभा चुनाव में उतरेगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से आज जिस तरीके से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई से प्रदेश की जनता त्रस्त है, डीजल पेट्रोल दैनिक जीवन में आने वाली हर उपयोगी चीजें, खाना बनाने गैस सिलेंडर के दाम बेतहाशा बढ़े हैं, किसान लाभकारी मूल्य लेने के लिए दर दर ठोकरे खा रहा है, छुट्टा जानवर उत्तर प्रदेश में
डबल दहशत की कारण बन गए हैं। एक तो किसानों की फसल चल कर चौपट कर दे रहे हैं, दूसरे रोज आए गए दिन उनके मारने से, उनके लड़ने से कोई न कोई मौत के शिकार भी हो रहे हैं। जीएसटी का दुरुपयोग करके बड़े पैमाने पर व्यापारियों को लूटा जा रहा है। लोकतंत्र को चलने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार ऐसी पहली निकम्मी सरकार साबित हुई जो सरकारी विभागों को बेचा बेच रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जाएंगे। आरक्षण खत्म हो रहा है, आज अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति पिछड़ों का आरक्षण शून्य किया जा रहा है। यही नहीं, अपने चहेतों को सारे कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर अपने चहेतों को जबरदस्ती नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। यही नहीं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव आता तो कहते हैं हम भी पिछड़े हैं, लेकिन उन्होंने एक नया पैंतरा चला है, लिटरल एंट्री के नाम पर 340 आईएएस बनाए, लिटरल एंट्री के नाम पर 340 आईएएस बनाए, एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं, एक भी शेड्यूल टाइप्स का व्यक्ति नहीं, एक भी पिछड़ी जात का व्यक्ति नहीं। जिसका मतलब मोदी जी पिछड़े नहीं, पिछड़े के नाम में धोखा है। अगर पिछड़े होते तो पिछड़ों का दुख तकलीफ दर्द भी उनके दिल में होता। तो स्वाभाविक रूप से तमाम ऐसे मुद्दे हैं, हम जातवार जनगणना की मांग सालों साल से कर रहे हैं। भाजपा सरकार की तत्कालीन गृह मंत्री वर्तमान रक्षा मंत्री 19 लोकसभा चुनाव के पहले कहा था कि अगर हम फिर से सरकार में आएंगे तो जातवार जनगणना कराएंगे। जातवार जनगणना तो करना बहुत दूर, उस पर कभी आती नहीं। तो स्वाभाविक रूप से तमाम ऐसे वादा खिलाफी वाले मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आज जनता के बीच में इनकी किकरी भी हो रही है। ये विदेश घूम करके भले बाबा ही लूट रहे हों, लेकिन देश जल रहा है, देश का मणिपुर जल रहा है और बेरोजगारी के आग में नौजवान जल रहा है, महंगाई की आग में देश की जनता जल रही है, जीएसटी के दुरुपयोग में व्यापारी परेशान है, सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। एक नहीं तमाम ऐसी खामियां हैं जिसको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनके हमने उत्तर प्रदेश में राजनीति को लेकर के सवाल करे और विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है उसकी चुनावी रणनीति की जाने का प्रयास किया। कैमरामैन के साथ अविनाश वर्मा, पब्लिक।